मौजूदा राजनीतिक हालात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने जा रहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार इस वक्त घिर चुके हैं। उनके बारे में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अब खुलकर अपनी राय भी रख दी है। एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार मोदी को तिलक पुरस्कार से सम्मानित करेंगे, जिसका मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की ओर से दबी जुबान में नाराजगी के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि जब बीजेपी की वजह से एनसीपी को इतना नुकसान हुआ है तो एनसीपी के पार्टी प्रमुख प्रधानमंत्री को सम्मानित कैसे कर सकते हैं। ऐसा करके पवार अपनी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि सम्मान समारोह में जाने या नहीं जाने का फैसला स्वयं पवार को लेना होगा। मेरी राय है कि पवार को मोदी के सम्मान समारोह में जाने से बचना चाहिए। इसी मुद्दे पर समाजवादी नेता बाबा आढ़व के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल शरद पवार से मिलने वाला है, जिनमें एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, आम आदमी पार्टी और सीपीआईएम के नेता शामिल हो सकते हैं, जो इस मुद्दे पर शरद पवार से बात करेंगे और उन्हें समझाएंगे। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस समय शरद पवार विपक्षी राजनीति का बड़ा चेहरा है। मोदी के साथ उनके मंच साझा करने से विपक्षी एकजुटता की विश्वसनीयता प्रभावित होने का खतरा तो है, लेकिन शरद पवार के लिए इस समय अपने कुनबे को मजबूत बनाना भी जरूरी है। भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद पार्टी पर कब्जे की लड़ाई को जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना शरद पवार की मजबूरी भी लगती है, खासकर तब जब शरद पवार के विश्वसनीय लोगों में गिने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संपर्क में हो। ऐसे में देखना होगा कि शरद पवार आखिरकार कौन सा फैसला लेते हैं, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका असर विपक्षी गठबंधन पर भी पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।